तो आज की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं डू व्हाइल लूप। तो पहले डू व्हाइल लूप के कंसेप्ट को समझिए क्या है। कि मेरे पास एक नंबर्स है, डू व्हाइल लूप चलता है कंडीशन पे, राइट सर। मैं चाहता हूं कि इस वाले कॉलम में 500 लिखते जाए। कब तक लिखे? जब तक एक कॉलम में उसको रिजल्ट मिल रहा है, वैल्यू मिल रही है। तो हम इसके लिए इंसर्ट करते हैं मुरूल, सब्जेक्ट आर आर डूएल वन, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे आर एक डिम आर एज ए इंटीजर और r इक्वल टू वन कर दूंगा पहले, फिर लिखूंगा डू व्हाइल और यहां है रेंज r के साथ i, i नहीं r, सॉरी r नहीं a होगा यहां पर, ग्रेटर देन जीरो, देन रेंज डॉट वैल्यू इक्वल टू 500 और आर इक्वल टू आर प्लस वन और यहां पे लूप। ये लिखने का तरीका है ऐसा, देखिए समझ गए। तो 500 डालता चला गया, जैसे यहां पे हुआ वो नहीं डाला। अब इसमें डू अंटिल लूप अगर मैं करता हूं तो क्या होगा वो दिखा देता हूं आपको। डू अंटिल लूप भी सेम वर्क करेगा। अगर डू अंटिल लगाते हैं यहां पे, डू अंटिल लगाते हैं फिर भी वो सेम वर्क। तो सेम वर्क करेगा। ग्रेटर देन जीरो पे होना चाहिए ना सर, ब्लैंक देखे देखो वो कोट्स में, नहीं ब्लैंक नहीं सर, क्या कोट्स इज नॉट इक्वल टू, जैसे जीरो है इज नॉट इक्वल टू कोट्स में देखे देखो। हाँ नहीं कर रहा है, ये पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। डू अल्टी रेंज इसे कुछ चेंज नहीं किया ना मैंने, बाकी से मैं अभी ये वर्क कर रहा है हमारा। हाँ ये वर्क कर रहा है और यहाँ पे हमने बोला डू अल्टी रेंज ए नॉट इक्वल टू जीरो, नहीं ग्रेटर देन जीरो होगा यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे डॉट वैल्यू नहीं है ना शायद, इसलिए नहीं कर रहा है क्या। सर इसको लेस देन जीरो करके देखो, लेस देन जीरो नहीं होगा इस पे, लेस देन जीरो क्वालिटी लेस देन जीरो नहीं तो ये देखो डिलिमिटेड हो गया, अबे स्टॉप ही नहीं होगा लूप हमारा, स्टॉप नहीं होगा तो ओवरफ्लो आ गया ना। हम्म, लेस देन डू यहाँ पे हो गया डू अल्टिल रेंज ई के साथ हमें आर आर इक्वल टू वन है हमारा, राइट। डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो, जब तक ग्रेटर देन जीरो है तब तक चलना है इसको, वैल्यू 500 डालना है
बी के साथ आर क्यू है, फिर आर इक्वल टू आर प्लस वन इन बी। मैं इसमें स्टेप इन्फो करता हूँ तो पता चलेगा। कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। रेंज नॉट इक्वल टू जीरो, साफ नहीं कर रहा। वैल्यूज एम्पटी दिखा रहा है। आर इक्वल टू वन, अच्छा यहाँ मैंने दिखाया लीन टू इसको बताता हूँ आपको। जाइए इसको फिलहाल डू इसको समझ जाइए, इसको अनदर एग्जांपल बताता हूँ सर। अनदर एग्जांपल में क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे ए किया, कुछ किया डू एल, और मैंने यहाँ पे किया कि डिम एफ नेम एन एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ पे एन इक्वल टू दी, यहाँ पे लगाया डू अंटिल एन इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, और फिर एन इक्वल टू दिया इनपुट, इनपुट बॉक्स, और यहाँ पे हम देते हैं एंटर नेम और लूप। अभी क्या होगा, जैसे यहाँ पे इनपुट बॉक्स दिया, अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूं तो ए कैंसिल नहीं होगा, ओके करता हूं तो ए ओके नहीं होगा। यहाँ पे जो है जब तक नाम नहीं डालेंगे तब तक वो हटेगा नहीं, समझ गए। तो यहाँ पे क्या है कि डू अंटिल ए, मैं तब तक ये चलता है तब तक, अच्छा ये अपोजिट चलता है, माफ कीजिएगा ये अपोजिट चलता है, मैं बताना भूल गया था। ये क्या हुआ, ये तब तक चलेगा जब तक ग्रेटर देन, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, बात समझ गए। ये तब डू अंटिल क्या होता है, ये तब समझ में गया, वाइल समझ गए, वाइल और अंटिल में जो ये डिफरेंस है इसका शाब्दिक डिफरेंस जो है वो तो समझ ही रहे होंगे। ये तब तब फिनिश होगा जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी या नॉट इक्वल टू जीरो होगी, समझ गए। मैं यहां इक्वल टू जीरो कर दूं तो यहां यहां ये आपका वर्क कर गया, करिएगा सर। मैं यही समझाना, मैं यही भूल गया था कंसेप्ट, देखिए इसको एक्सप्लेन करो ना, मतलब समझ में नहीं आया ये इक्वल टू। समझो, इसको पहले मैं इसको पहले समझिए, डू वाइल को, डू वाइल आपका लूप तब तक चलेगा जब तक उसको ग्रेटर देन जीरो मिल रहा है, बस समझ गए। यहाँ चेक किया ग्रेटर देन जीरो है 500 डाल दिया, यहाँ चेक किया ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ 500 मार दिया, यहाँ चेक किया 500, यहाँ चेक किया और 500, समझ गए। डू वाइल समझ में आया, ठीक मतलब डू वाइल को इस ए कॉलन के अंदर में जहां तक उसको जीरो के, जहां तक उसको सेल वैल्यू मिल रहा है, मतलब ग्रेटर देन जीरो मतलब कि सेल में कोई वैल्यू डली हुई है, जहां भी सेल वैल्यू, जहां तक सेल वैल्यू मिल रहा है तहां तक चलेगा। जैसे ही सेल वैल्यू मिलना बंद होगा, मतलब जैसे वो यहां आएगा, यहाँ ये आपका जीरो है, मतलब कि एक कंडीशन फॉल्स हो गई, ए लूप को एग्जिट कर देगा,
क्लियर है आशीष जी? हाँ जी सर, हाँ जी। डू वाइल क्या करेगा, जस्ट इसका अपोजिट करेगा। ए तब तक ये मतलब कि चलेगा जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स हो रही है सर, जब तक चलता रहे, जब तक वैल्यू जीरो ना हो जाए। हाँ नहीं नहीं फॉल्स होगी तब तक, मतलब फॉल्स मतलब क्या हुआ कि ए ए ए ए क्या है, ए तब तक चलता रहेगा जब तक उसको ट्रू मिल रहा है, फॉल्स होने पे रुकेगा, और ये ट्रू होने पे रुकेगा, फॉल्स होने पे चलता रहेगा। सर तो इसका एडवांटेज क्या है? मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दो चीज कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? हाँ, दोनों एक दूसरे की अपोजिट है। ओके, ओके। अब यहाँ पे देखिए, मुझे एक इनपुट बॉक्स लेना है, जिस इनपुट बॉक्स में हमें नाम इंटर करवाना है। लेकिन क्या है कि जो इनपुट बॉक्स में हम देना चाह रहे हैं यूजर को, उस इनपुट बॉक्स से आगे हमारा सारा माइक्रो प्रोग्रामिंग लगा हुआ है, समझे ना। मान लीजिए कि ना कि आपको एक रिपोर्ट बनाना है, तो किस सिटी का रिपोर्ट बनाना है वो सिटी आप पहले यूजर से मांगते हो, फिर वो सिटी के बिहाफ पे डेटा को फिल्टर करके, कॉपी लगा के, पिवट लगा के, चार्ट वर्क करके, मतलब कि आप उस सिटी को कम से कम नहीं तो 100 जगह इस्तेमाल करते हो। अब जैसे माइक्रो रन हुआ, यूजर को सिटी डालना कंपल्सरी है, बिना सिटी डाले वो आगे को प्रोसेस को फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर बिना सिटी नहीं डाला तो बहुत सारे जगहों पे एरर आएगा, इसलिए हमें सिटी डलवाना जरूरी है। तो इनपुट बॉक्स तभी हटेगा जब आप उसमें कुछ डालोगे। तो उस केस में हमने यहां किया, तो हमने किया कि डू अनटिल एन इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, मतलब ये लूप को तब तक चलाता रहे जब तक एन पे कुछ वैल्यू पड़ जा नहीं पड़ती है। जैसे एन पे कोई वैल्यू पड़ी या कंडीशन आपका ट्रू हुआ, आपका स्टॉप हो जाएगा, समझ गए। अगला एग्जाम्पल बताता हूं आपको, अगला एग्जाम्पल आपके लिए फायदेमंद है। सब्जेक्ट अब यहां पे मेरे पास एक फोल्डर है, डी ड्राइव में ही देख लेते हैं। डी ड्राइव में मान लीजिए कि हमारे पास डैशबोर्ड के अंदर सैंपल फाइल की एक फोल्डर है। इस पाथ पे मुझे इस फोल्डर के सारे फाइलों का लिस्ट चाहिए, कि ये फाइल कितने फाइल है उसका लिस्ट हमें एक्सेल शीट पे चाहिए, समझ गए। फाइल कुछ भी हो सकता है, पीडीएफ, वर्ड फाइल, कुछ भी हो सकता है। हाँ, मैं वो एक्सटेंशन डिफाइन करूंगा ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो एक हम यहाँ पे पहले देते हैं कि dim fn as a string और fn equal to, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है dir। dir फंक्शन क्या करता है कि आप जो है उसके अंदर में डाल दीजिए कि स्टार डॉट, हमने डाल दिया xls, समझिए। सर पीडीएफ का क्या एक्सटेंशन होता है? और फिर यहाँ पे हमने डाल दिया बीवी नॉर्मल फाइल, हिरन नहीं लेनी है, सिस्टम फाइल नहीं लेना है, exe फाइल नहीं लेना है, समझ गए। अब प्रॉब्लम क्या है, इस चीज को समझिए कि जब रन करेगा dir फंक्शन, तो जितने भी इस लोकेशन में जितने भी फाइल होगी उस फाइल का लिस्ट वो निकाल लेगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास क्या है, ए स्ट्रिंग है, एक बार में आपका एक ही वैल्यू लेगा। तो अगर मैं यहां पे लिखा कि रेंज ए 65,000 डॉट डॉट एंड एक्सलेस आप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू एफ एन, तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पे एक फाइल का नाम दिया हुआ है, लेकिन जब मैं इसको एफ एन इक्वल टू डी आई आर, देखिए ब्रैकेट ओपन क्लोज करता हूं और फिर इसको लिखता हूं,
तो आप देखिएगा दो फाइलों का लिस्ट देगा, दो फाइलों का नाम देगा। मतलब क्या होता है कि जब वापस इस पे fn dir को ब्रैकेट ओपन क्लोज करोगे तो fn के ऊपर दूसरा नाम लोड करेगा। तो फिर अगर मैं यहां पे पेस्ट कर दूं तो fn पे तीसरा नाम लोड करेगा, चौथा नाम लोड करेगा, पांचवा नाम लोड करेगा। तो जितना बार लिखेंगे उतना फाइलों का नाम यहां देगा आपको, समझ गए। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसको जितना जितने फाइल है उतना बार लिखना है, लेकिन मुझे इसके बारे में फाइल पता ही नहीं है। लेकिन जैसे डीआईआर को फाइल खत्म होगा उसके ऊपर ब्लैंक लोड कर देगा। सर एक एक चीज नहीं समझ आ रही है, आपने ये डीआईआर ब्रैकेट क्लोज जब कर दिया इसने रीलोड किया है ये, इसमें आपने कोई पाथ क्यों नहीं दिया दोबारा? पाथ दे दूंगा तो फिर वो दोबारा उस पाथ पे चला जाएगा ना सर। तो इसकी फंक्शनलिटी ये है कि अगर आप पाथ देते हो तो फिर से वो फाइल लिस्ट को आप दिया अपने अपने में लोड करेगा, समझ रहे हैं। लेकिन आप पाथ नहीं देते हो तो उसके अंदर जो ऑलरेडी स्टॉक है फाइल नेम, उस फाइल नेम को माना कि जो जो वेरिएबल्स है उसको देता है वन बाय वन। आशीष जी, हाँ जी, अभी अभी ऑलरेडी जैसे सर ने ऊपर लिखा है ना डीआर पाथ डाल दिया, ठीक है, और वो फिर से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इसलिए ये फंक्शन कॉल करने का तरीका होता है जो ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया है सर ने ना, तो फिर से कॉल कर रहे हैं उस चीज को। हाँ ओके जी, सही बोला आपने। मैं फिर से इसी फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ क्योंकि इस डीआर फंक्शन ने जब तक ये मैक्रो रनिंग है ना तब तक DIR फंक्शन के पास सारे फाइल लिस्ट है। मतलब कि उसने DIR फंक्शन एक बार चला, चलने के बाद वो अपने अपने स्टोरेज में सारे फाइल नेम रख लिया, राइट सर। अब हम एक बार जब मैंने fn इक्वल टू DIR किया तो इसने पहले फाइल को उठा के यहाँ दे दिया और इस जगह को मैंने ये कर दिया, मतलब कि नीचे से फिर सारे फाइल ऊपर आ गया। जैसे कि गन में कैसा होता है कि एक बार बुलेट चलती है नीचे स्प्रिंग, फिर नया बुलेट आ जाता है, ठीक है सर। सर लेकिन उसी तरह से होता है। तो ए डी आई आर फंक्शन क्या करता है, ट्रिगर को फिर वापस हम लोग रीलोड करते हैं ना, वो लोड करता है तो फिर से वापस जो नेक्स्ट फाइल है उस नेक्स्ट फाइल को देता है, फिर नेक्स्ट 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 चलता रहता है। लास्ट में जब फाइल सारे खत्म हो जाते हैं तो फिर भी वो ब्लैंक देता है वो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो अगर आपने दोबारा इसको लिखा DIR अगर ब्लैंक होगा तो वो ब्लैंक ही देगा, हमें नहीं पता लगेगा। नहीं हमें नहीं लगेगा। और जितने जैसे उसने फोल्डर में से 10 फाइल को ले लिया और 10 बार आपने चला इसको DIR चलाया आपने लोड किया तो वन बाय वन 10 फाइल का नाम दे देगा, जब 11वां बार चलेगा तो ब्लैंक लोड कर देगा। पर ये सर कर XLS के लिए ही रहा है, कोई और फाइल तो नहीं दिखा रहा? नहीं, मतलब जो आप एक्सटेंशन यहाँ पे दिया XLS तो XLS ही उठाएगा। अगर यहाँ पे स्टार डॉट स्टार कर दिया तो पूरा दिखाएगा, पर दिखाएगा एक ही जो पहली फाइल होगी। स्टार डॉट स्टार करोगे, मान लीजिए मैंने DIR फंक्शन वन बाय वन दिखाया, पहली नहीं सर वन बाय वन दिखाएगा, वन बाय वन। FN आपका स्ट्रिंग है ना, ये तो इसकी कैपेसिटी सिर्फ एक वो एक ही बार लेने की है सर, इसमें एक ही देगा इसको, एक ही लेगा। पर वो कौन सा एक लेगा, मान लीजिए मैंने DIR के नीचे के फंक्शन नहीं लिखे। अब इसका एल्गोरिथम पता नहीं सर कि वो पहला उठाता है, बीच का उठाता है या उठाता है, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है? सीक्वेंस नहीं है, मतलब जैसे डेट मॉडिफाइड होता है या नेम बाय नेम होता है। आप लोग आप इसको ट्राई करके देख लीजिएगा ना, मुझे ही बता दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है सर। सर स्ट्रिंग अगर लिया है तो ये वन बाय वन ले रहा है, अगर कोई दूसरा डेटा टाइप लेंगे तो फिर भी वन बाय वन ही देगा ना, पूरा उठा के थोड़ी दे देगा। ओके तो यहाँ लूप का यूज करना पड़ेगा ना फिर। एरे अगर इस्तेमाल करते हैं फिर भी तो एक ही देगा ना सर। हाँ हाँ ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे डू अंटिल अंटिल fn इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। तो यहां पे उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे रेंज
ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू एफ एन एंड एफ एन इक्वल टू डी आई आर ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड यहां पे लूप। अब देखिए एक बार मैंने इसको रन किया, सॉरी यहां हो जाएगा इक्वल टू फाइल का नाम दे दिया। अगर मैं यहां पे डू वाइल लगाता तब यहां करना पड़ता नॉट इक्वल टू ब्लैंक, समझ में आया सर? यस सर। तो डू वाइल और डू अनटिल का डिफरेंस समझ में आ गया? हाँ जी। तो इसका इस्तेमाल होता है ऐसे चीजों पे जहां पे हमें स्टार्टिंग एंडिंग रिपीटेशन पता ना है, बट उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लगा देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया, आगे चले जाओ वेब स्क्रिप्टिंग सिखाऊंगा तो उसमें भी यही होगी कि भाई एक बार चलेगा एक किसी वेबसाइट ओपन किया तो आपको पता नहीं है ना कि आपकी वेबसाइट जो ओपन होने वाली है वो कब तक इनिशियलाइज होगी, रेडी होगी। तो आपके डिपेंड करता है इंटरनेट की स्पीड पे ना सर, या वेबसाइट की गेटवे पर। राइट। तो जब तक वो वेबसाइट लोड नहीं हो जाती है तब तक सिस्टम को वेट करना है, तो वहां पे डू व्हाइल लूप लगेगा। डू व्हाइल लूप इंटरनेट एक्सप्लोरर नॉट इक्वल टू रेडी जब तक वेट करता है एप्लीकेशन को, तो वहां पे इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आपको क्या करना है कि अभी मैंने आपको सिखाया कि एक पर्टिकुलर फोल्डर से फोल्डर फाइल लिस्ट कैसे लेते हैं, राइट? इस फीचर को लेते हुए आप मुझे एक मैक्रो बना के दें कि एक फोल्डर में 10 फाइलें हैं और 10 फाइलों के डेटा को एक के नीचे कॉपी करना है डेटा को। हाँ तो सर वो उसको तो हमें पहले ओपन करना पड़ेगा फिर क्या करना है आप देख लीजिए ना, फाइल की लिस्ट कैसे निकलेगी, 10 है 20 है 25 है, वो लिस्ट निकालने का तरीका मैंने बता दिया। राइट, आपको फाइल नेम मिल जाएगा वन बाय वन, आप उस फाइल नेम को आप ओपन कराए कॉपी कराए जो कराना है कराए और करा के दे, अगर नहीं होगा तो फिर मैं अपना तरीका बताऊंगा आपको। ओके ओके